नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ अखिलेश कुमार, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ्स। जैसा कि हम लोग एडवांस मैथ का न्यू टॉपिक स्टार्ट किए थे क्वाड्रेंट ज्योमेट्री, और इसमें एक लेसन हो चुका है। जो लोग इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो वो पहले फर्स्ट पार्ट देख लें, ताकि आगे आपको समझने में आसानी होगी, और ये लेसन आसान है भी। तो आज हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसी में सेकेंड पार्ट क्वाड्रेंट ज्योमेट्री का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, आई तो डिस्टेंस पे हेडिंग लगा ले हम लोग, डिस्टेंस फ्रॉम लॉ के लिए। डिस्टेंस फ्रॉम लॉ, दूरी सूत्र। ठीक है, पहले हम लोग पढ़ाएंगे, समझाएंगे डिस्टेंस होता क्या है, कैसे डिस्टेंस निकाला जाएगा, फिर इसका क्या अप्लीकेशन है। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहे। जैसे मान लीजिए दो क्वाड्रेंट ले लिए, एक हो गया ए एक्स वन वाई वन और एक हो गया बी एक्स टू वाई। इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ए और बी का दूरी क्या होगी। आपको क्वाड्रेंट दिया रहेगा ए बी और बी, इसको निकालने का तरीका क्या होगा, पहले इसका फॉर्मूला प्रूफ देख लें। एक्स एक्सिस हो गया और यह वाई एक्सिस हो गया। ठीक, तो यह देख रहे हैं इससे पे, इस पर लंब डाल लें एक्सिस पर, और इसे यहां लंब डाल दें, इसको ए एम ले लेते हैं और यह ए एम ले। क्लियर। अब यहां से आप देखें कि यह हम लोग को डिस्टेंस निकालना है, यह ए भी निकालना, साथ ही साथ इससे भी यहां लंब डाल देते हैं। ठीक है, अब आप लोग बताएंगे कि यह डिस्टेंस कितना होगी। एक्स वन वाई वन है, फर्स्ट पार्ट हम लोग बता चुके हैं आपको, यह एक्स वन को बता रहा है और यह वाई वन, ये तो ऑरिजिन है, क्वाड्रेंट ऑरिजिन क्वाड्रेंट कितना, जीरो जीरो। ठीक, उसके बाद यह एक्स टू, यह डिस्टेंस आपको एक्स टू बता रहा है। ठीक, और यह जो हाइट देख रहे हैं यह क्या हो जाएगा, वाई। अब बताएंगे आप लोग, यह एक्स टू है और यह एक्स वन, इतना एक्स टू है एक्स वन है, के बीच में कितना हो जाएगा, यह लेंथ हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, तो यह भी क्या हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक है, यह हाइट वाई वन, यह भी वाई वन हो जाएगा, और पूरा यह वाई टू है, तो यह वाई वन, तो यह भी वाई वन होगा और पूरा वाई टू है, तो यह पार्ट कितना आ जाएगा, यह लेंथ जो आपका आ जाएगा यह वाई टू माइनस वाई वन। ठीक, तो यह बताइए आप लोग बी ए या एल नाम लेते हैं, बी ए एल कैसा त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है ना। जब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए ट्रायंगल बी ए एल, जब राइट एंगल है तब जैसे क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल बेस हो गया ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर। क्लियर, आगे बात समझ आप लोगों को। आइए, तो ए एल, अब बताएं ए एल को आप क्या लिखेंगे, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर और बी एल, बी एल हो गया, सॉरी उल्टा लिखे ए एल, ए से एल एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, फिर कोई बात नहीं है, तो जिसको पहले आप लिखें यह हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर हो गया, ए एल यहां से आए थे एक्स टू माइनस एक्स वन और बी एल एल एंथ वाई टू माइनस वाई वन, यह आ गया ए बी स्क्वायर। तो ए बी यहां से कितना निकल जाएगा, दिखाई दे रहा हूँ आपको, यहाँ रूट ओवर में चला जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन स्क्वायर, इसमें मॉड लगा लेंगे, या मॉड इसलिए क्योंकि रूट से निकलेगा प्लस माइनस दोनों में आएगा, लेकिन आपको लेना है किसमें, प्लस फोर में आपको लेना है। तो यहाँ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर और वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए, उसके बाद रूट चलाया इसे मॉड। अब यहाँ एक बात यह बताइए आप लोग, यह तो मान हमेशा प्लस तो लेना ही लेना है, इसको अब इसको इस फॉर्म में इस तरह भी हम लोग लिख पाएंगे। तो यह बता रहा है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, और यह बता दिया वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस। क्लियर, इसको आप इस तरह भी लिख पाएंगे, फिगर को मिटा दें, बात समझ में आ गई,
AB यदि डिस्टेंस आपको निकालना है तो क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर और y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस के स्क्वायर पर क्या करना है, रूल डालना है। ठीक है, जिनको दिखाई नहीं दे रहा होगा बोले यहां पर लिखना फिर से, AB x2 - x1² प्लस y2 - y1² या AB आपको डिस्टेंस d को बता रहा है, x1 - x2² प्लस y1 - y2², क्लियर, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अब इसमें लेते हैं कि यदि किसी पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना हो तो कैसे निकालें। P x1, इसका लेंथ निकालना कहां से, P का है ओरिजिन से क्या होगा, या एक्स एक्स और यह हो गया वाई एक्स। ठीक, अब बताइए यह डिस्टेंस सिंपली से निकल जाएगा, OP x-0² प्लस y-0² तो हम डायरेक्ट निकाल पाएंगे x² प्लस y², तो ओरिजिन से यदि आपको डिस्टेंस निकालना हो तो √x² प्लस y², क्लियर। तो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला का सूत्र कैसे आ रहा है, इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़े, अब इसका अप्लीकेशन क्या होंगे और इस पर कुछ एग्जाम्पल समझ रहे हैं। ठीक है, आइए और लोग साथ ही साथ नोट भी करते चले। अप्लीकेशन, डिस्टेंस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हम लोग क्या करेंगे, एप्लीकेशन क्या होगा, आदि मान दिया रहेगा पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट, तो उसमें 3 पॉइंट्स आएगा, 3 पॉइंट्स आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, 3 पॉइंट कैसे कोऑर्डिनेट होंगे, आदि कोऑर्डिनेट मतलब हो गया सनरे, इसको क्षेत्रीय भाषा में क्या बोला जाएगा, संरेख। तो यदि कहा जाएगा AB C 3 पॉइंट, ये कोलिनियर होंगे, कोलिनियर तभी होगा किसी दो का इप्सम किससे बराबर हो, अगर 3 पॉइंट ABC दिया रहेगा तब आपको मालूम नहीं कि A कहाँ होगा, B कहाँ होगा और C कहाँ होगा, तब नॉर्मली क्या करेंगे, कोई लाइन ले लेंगे, ABC कहीं आप लिख दीजिए और आपको उसमें AB निकाल लेना है, BC निकाल लेना है और AC निकाल लेना है, कई पॉइंट ऐसे ग्राफ अब यदि उसको रिप्रेजेंट करेंगे एक्यूरेट प्लेस पर ग्राफ कॉपी में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे आप कोई ABC ले लेंगे किसी का नाम, ABBC ऐसे निकालना है, यदि किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया, किसी दो का सम तीसरे के बराबर आ गया तो वह क्या हो जाएगा, कोलिनर हो जाएगा। जैसे यहाँ फिगर बनाए, फिगर के अनुसार तो आपका यह हो जाएगा AB + BC बराबर कितना, AC, यदि C को यहाँ कर लेते हैं अब B यहाँ होता तब क्या हो जाता, AC + CB = AB। कभी ए यहां होता और सी यहां कर लेते तब क्या होता, AC + AB = BC। ठीक, मतलब किसी दो का स्थान तीसरे बराबर आएगा, इसका मतलब क्या, कॉलिनियर एक ही रेखा, तो ये हो पाया, क्योंकि रीजन देखेगा यहाँ कि यह पार्ट पूरे बराबर आ गया, इसका मतलब एक ही लाइन पर आ गया, अधिस दस भी आ सकता है, AB C या AB + BC सीधा AB और BC AC से क्या होगा, बड़ा होगा, यह ट्रायंगल बनेगा दो साइड का सम AB BC AC से क्या होगा, बड़ा होगा, ट्रायंगल में हम पढ़ चुके हैं, तो बड़ा होने मतलब क्या, इसका मतलब यह होगा क्या, एक रेखा पर नहीं आ सकता है, लेकिन यदि दो का सम तीसरे बड़े वाले पार्ट के बराबर आ गया इसका मतलब क्या होगा, एक ही रेखा होगा, पहला दिया एप्लीकेशन में, और यह AB BC AC निकालने के लिए डिस्टेंस होना था प्रूव कर ही दिया और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं ना। और एक इसका एप्लीकेशन होगा, दूसरा एप्लीकेशन क्या, 3 पॉइंट या मोर पॉइंट भी हो सकता है, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, तो वही काम करना हम लोगों को,
तीन ज्यादा होगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले तीन को टेस्ट कर लिए और रेस्ट, फिर इधर कोई पॉइंट लगेगा दिया हुआ, मान लो एक पॉइंट और दिया गया अभी, अभी यह तीनों के बाद लिए गया, अब इन तीनों को देख लेंगे। ठीक, ए बी कोई दो का पार्ट सम, तीसरे के क्या हो बराबर करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे, चार पॉइंट लेगा, पहले तीन को देख लेंगे, रेस्ट भी तीन को देख लेंगे, फिर को पहला तीन ले लेंगे और फिर लास्ट तीन लें या जो छोड़ दिए थे उसको लेते हुए कोई तीन पॉइंट ले लेंगे और वहां से हम निकाल पाएंगे। ऐसे कोलिनियरिटी देखने के लिए, सनरेज देखने के लिए और भी कंडीशन है, स्लोप से भी हम लोग देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे तो, एरियाज भी देखेंगे आगे पढ़ेंगे तो, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी हम लोग यह बता पाएंगे कि यार तीन पॉइंट कैसे कोलिनियर आपका हो रहा है, या ज्यादा भी रहेगा तो कैसे हम लोग देख पाएंगे। क्लियर। दूसरा एप्लीकेशन है, आपको कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे और आपसे पूछे जाएंगे कि यह कैसा ट्रायंगल होगा या कैसा या क्वाड्रेटल होगा, या आप कैसे बता पाएंगे। तो ट्रायंगल तभी होगा, दूसरा इसका कंडीशन में आ गया, ट्रायंगल ए बी सी, अब इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया रहे हैं एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री। तो कोऑर्डिनेट लेसन जो बिल्कुल नहीं आसान है, आपसे मेरे साथ बने रहने बहुत मजा आएगा और एग्जाम में भी आसान आसान सवाल ही आ रहे हैं, इसे छूटने की कोई बात ही नहीं। ठीक है, इसको छोड़ना ही नहीं है और बहुत आसानी से बन भी जाना है। ठीक, और समय बहुत कम लगना है। आइए, तो अभी आप लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों को लग रहा है पहले से हम जान ही रहे हैं, लेकिन आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें, कुछ ना कुछ बात आपको जरूर सीखने के लिए मिलेगी और उम्मीद करते हैं जरूर मिलेगी आपको, और लेसन पढ़ेंगे तो और भी नई बात सीखने मिलेगी, इसलिए एक बार आप जरूर इसको देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें यदि मान लिया आ जाएगा इक्विलेटरल रहेगा, क्या करेंगे, तीनों इक्वल आ जाएगा, आइसोसेलेस होगा, समद्विबाहु होगा, दो साइड इक्वल होगा, राइट एंगल होगा तो दो का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर इक्वल होगा। क्लियर। उसके बाद यदि आपको चार साइड चार वर्टेक्स दिया रहेगा ए बी सी डी, आज आपसे पूछा जाएगा ये कैसा चतुर्भुज होगा, चारों भुजा बराबर है वर्ग होगा, उसके आमने सामने भुजा बराबर है, विकर्ण भी बराबर है तो क्या होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा, और स्क्वायर वाले में क्या होगा, चारों भुजा बराबर के साथ साथ विकर्ण भी बराबर होगा तभी वर्ग होगा, लेकिन चारों भुजा सिर्फ बराबर होगा तो चतुर्भुज होगा, विकर्ण बराबर नहीं होगा, मतलब कि चारों भुजा बराबर के साथ विकर्ण बराबर है स्क्वायर, और चारों भुजा बराबर के साथ यदि उसका विकर्ण बराबर नहीं तो क्या होगा, रोम्बस चतुर्भुज हो गया। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, आमने सामने भुजा बराबर होगी और उसका विकर्ण बराबर नहीं होगा, तीसरे नंबर चेक कर लेंगे। क्लियर है, आइए कुछ एग्जाम्पल से। चलिए आज क्लास का फर्स्ट सवाल, ठीक है, अभी पूछा जाएगा कि ए क्वाड्रेंट दिया हुआ है थ्री फोर, और दूसरा क्वाड्रेंट है माइनस टू और थ्री, इसका डिस्टेंस निकालना है, तो सिंपल लगा देना है, ये भी रूट ओवर एक्स क्वाड्रेंट का अंतर थ्री माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फोर माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यह हो गया तीन दो पांच का स्क्वायर 25 और यह वन का स्क्वायर वन कितना आ गया 26 यूनिट। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर टू, अभी आपसे पूछा जाएगा पी थ्री फोर का, ठीक है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, कहां से पूछा गया, ओरिजिन से, तभी हम लोग जस्ट पढ़े ऑरिजिन से आपको निकालने के लिए आ जाए, सीधा क्या करना पड़ेगा, रूट ओवर थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर तो कितना आ जाएगा 5 मिनट। लेकिन यदि आपको ऐसा पूछा जाए कि इस पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ पी, देखिए तीन तरह का सवाल पूछा जाएगा और कन्फ्यूज ना करें, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम, देखा जा रहा सवाल क्या लिए, पहला लिए डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, दूसरा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस और तीसरा डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ओरिजिन से क्या होगा। क्लियर है, डिस्टेंस ओरिजिन से निकालना, दिखाई लग रहा है नहीं दे रहा आप लोगों को, दे रहा है ना, ठीक। आइए, तो इसका जब निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी, जब एक्स एक्सिस आप निकालेंगे
सीधा देखिए, इस यहां से यह दूरी आपको निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि यह जो आप पॉइंट है 3 4, इसको जब यहां लंब डालेंगे तो एक्स एक्सिस पर जो यह लेंथ आया इसको आप 3 बोलेंगे, और इसको यहां लंब डाल दें। वाई एक्सिस पर जो यह लेंथ आ रहा है यह किसका हो गया, किसका मान गया, वाई का। इस पॉइंट से एक्स पर लंब डालें तो यह लेंथ एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा, और इससे यहां लंब डाल देंगे तो वाई पर जो लेंथ आया वो वाई को बता देगा। कहने मतलब क्या हुआ, यदि किसी पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा, इसका मतलब वह कौन सा हो गया, यहां से यह दूरी, मतलब यह दूरी हो गया वाई कोऑर्डिनेट को बताएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट। मॉड लगा रहे क्योंकि निगेटिव आएगा पॉजिटिव करना पड़ेगा, और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस से टेगा क्या करेंगे एस कोऑर्डिनेट, और ये खड़े पड़े हैं रूट ओवर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। फिर समझिएगा, तो डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस, अरे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस दूरी पूछाएगा, यह दूरी कितना है, यह 4 3 4 हो गया। यदि आपसे पूछा गया डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस, इस पॉइंट का वाई एक्सिस यह दूरी बताना है, यह दूरी मतलब यह जो यह 3 है दूरी क्या हो गया 3, और डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम ऑरिजिन, जब हम लोग निकाले हैं यह ओरिजिन से यह लेंथ तो कितना आ रहा था 5। यस क्या बता देना, अगर पी पॉइंट का एक्स एक्सिस से बोला जाएगा क्या लिख देना है वाई कोऑर्डिनेट 4, वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जाएगा तो क्या था एक्स कोऑर्डिनेट 3, और ऑरिजिन से पूछा जाएगा तो रूट ओवर एक्स इंटर एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। क्लियर है, यहां से कॉमन निकल जाएगा। आगे चलते हैं, तो इतना आसान सवाल पूछा जाएगा, यदि हम निगेटिव भी लगाते मान लेते -3 लगाते तब क्या करते, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 4 ही होता, डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम वाई एक्सिस से क्या होता, वाई एक्सिस से एक्स कोऑर्डिनेट लेते -3 लेकिन से मॉड लेते हैं क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और ऑरिजिन से बनाते तो फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि होल स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। क्लियर, आगे बात समझे, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें आप। आज क्लास का क्वेश्चन नंबर 3, आज आपसे पूछा जाएगा इफ डिस्टेंस बिटवीन 0 8 एंड x0 बी 17 यूनिट, देन फाइंड क्या दिया हुआ कि डिस्टेंस बिटवीन 0 8 और x0 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 17 8 एक्स होता है। एक बात यह ध्यान रखें आप, यदि किसी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहेगा इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ का होगा, वाई एक्सिस पर का होगा, और यदि वाई कोऑर्डिनेट 0 है इसका मतलब वो पॉइंट कहाँ पर का होगा, एक्सिस पर का होगा। तो जब एक्स 0 हो किसी में वाई 0 है इसका मतलब वो एक्स और वाई एक्सिस पर का होगा, जब एक्स 0 होगा तो वाई एक्सिस पर का होगा, और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो एक्सिस पर का होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्म ले लेगा। आपको सीधे समझ लेना है कि कहीं भी आप रख लिया आप ले सकते हैं, तो यह हो गया 8 0 x 0 और यह हो गया 0 8, यह मतलब x हो गया और यह 8 हो गया, तो कितना होगा, यह 17 दिया हुआ है, x को कितना होना पड़ेगा 15 8 17 है ना, 15 होगा तो निगेटिव में भी आ गया, इधर भी ट्रायंगल बनता तो वही चीज आता है ना, तो यह एक्स या लेंथ आपका +15 भी हो सकता है या -15, मतलब यहाँ क्वाड्रेंट लेंगे क्या होगा -15 और 0, यहाँ क्या हो जाएगा +15 और 0, नेगेटिव आएगा इसका लेंथ पॉजिटिव होगा, एक कोऑर्डिनेट हम लोग नेगेटिव रूप में लिखते हैं, तो आपको सीधा डिस्टेंस वाला भी लगाने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो हम लोग क्या देख लेंगे कि यदि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा जब एक्स कोऑर्डिनेट किसी का 0 होगा किसी का वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा तो राइट एंगल के फॉर्म में जाएगा, हम लोग ऐसे बिना बनाए डिस्टेंस वाला लगाए भी निकाल सकते हैं कि 0 8 है एक्स 0 है और यह बीच की फासला 17 है, जिसका मतलब 8 और क्या लेंगे जो कि 17 होगा, 15 लेना पड़ेगा, 8 15 और 17, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर और कितना होता है 17 स्क्वायर। यदि मान लें कि इसका 0 0 नहीं होता, यहाँ 0 नहीं होता है, यहाँ कुछ और होता, तब क्या करते उसके लिए, तो हम लोग लगा डिस्टेंस फॉर्मूला कि ए बी डिस्टेंस जो हमको दिया गया है वो 17 यूनिट है, तब क्या करते हैं 0 - x² + 8 - 0² इक्वल कितना 17 स्क्वायर, स्क्वायर करने का रूट खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा x² 289 - 64 कितना हो जाएगा 225, एक्स निकल जाएगा +-50, ठीक है कोऑर्डिनेट हो जाएगा 15 0
या -15 0। ठीक है, तो एक्स का आपका एक्स का मान बताना था, एक्स का मान कितना का प्लस माइनस 15 आंसर हो गया। आई बात समझ में, क्या बताना चाह रहे थे, कहते ज्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल में देगा ताकि आप मौके में निकाल सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं रहेगा तो आप डिस्टेंस वाला लाइन निकाल ही सकते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4। यदि आपसे पूछ दिया जाए इस तरह से कि फाइंड ए पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए 2 -5 एंड बी -2 9 बी इक्वल। सवाल क्या है, फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्स पर वो पॉइंट निकालें हुज डिस्टेंस, इसका दूरी, क्षेत्रीय भाषा वाले को ध्यान दें, इसकी दूरी फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी का वही इक्वल। लोग इसमें करते क्या है ज्यादातर लोग, इसमें यह कंसेप्ट लगा देते हैं, पहले तो आप समझें कैसे निकालना है इसको। मान लें कोई एक्स एक्सिस है, या क्लियर हो गया यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, एक्स और जीरो। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को याद करिए, वहाँ बताए हुए हैं। तो यहाँ पर इस पॉइंट से कहीं रफली बनाना है, या ए 2 -5 या बी -2 और 9, या डिस्टेंस क्या है इक्वल है। कुछ लोग करते हैं क्या है कि जब यहां से बराबर दूरी दिया तो आप यहां से लेते हैं इसको मिड पॉइंट लेते हैं, मिड पॉइंट भी रहेगा तो बराबर दूरी होगा ये, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि यह पार्ट ए एल और एल बी इससे भी रहेगा तो ये दोनों से बराबर दूरी हो जाएगा ना यहां से, ऐसा भी रहेगा तो कोई जरूरी नहीं कैसा होगा, हो भी सकता है नहीं हो सकता है, तो हम लोग इस कंसेप्ट से निकालेंगे। क्या कर लेंगे यहां पे कि ए एल इक्वल बी, तो ए एल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर, ए एल डिस्टेंस होना से 2 - x का होल स्क्वायर -5 -0 का होल स्क्वायर और -2 - x का होल स्क्वायर और 9 - 0 का होल स्क्वायर। इसको सिंपलीफाई करके समान निकाल सकते हैं, चलिए निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर -2ab +25, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आ जाएगा +81। यहाँ से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 4b कैंसिल हो जाएगा, 4x इधर जाएगा तो 8x हो जाएगा, है ना। 25 में 81 घटेगा कितना हो जाएगा, 25 में जब 81 घटाएंगे तब का मान आ जाएगा 56। एक्स कितना माइनस जाएगा ना, इसको इधर ले जाएंगे माइनस, इसको इधर ले जाएंगे प्लस, तो एक्स निकल गया माइनस। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, -7 और 0। क्लियर? यदि बोलता तो वाई एक्सिस पर का वह पॉइंट निकालें जिसका डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी भी इक्वल, तब क्या करते हैं वाई एक्सिस पर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 और y लेते हैं, एक्स एक्सिस पर था इसलिए 0 लिए। अब देखें क्या यह मिड पॉइंट का काम कर रहा है क्या, 2 - 2 जोड़ेंगे 0/2 तो 0 होगा, आया 0 क्या, नहीं आया, -5 + 9 4/2 यहाँ 2 आया क्या, नहीं आया, इसलिए उस तरीके से नहीं लगाना है कि मिड पॉइंट लगा देना, आपको सिंपल यह लगाना है जब बोला है कि डिस्टेंस इक्वल तो डिस्टेंस इक्वल कर लिए। क्लियर? आप डिस्टेंस पढ़ना पड़े पढ़े नहीं हुए फिर पढ़े। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन x = 6 एंड y = 8 फ्रॉम। क्या लिखें, दिस फाइंड डिस्टेंस निकालना है ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन दिस एंड दिस, इन दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट का डिस्टेंस कहाँ निकालना है, ओरिजिन से निकालना है। ठीक है, क्या लाइन दिया हुआ है, x =
सिक्स, इसका मतलब कि x इक्वल कॉन्स्टेंट मतलब किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा, x इक्वल सिक्स, ठीक है, y इक्वल एट किसके पैरेलल होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है, ये आपका इंटरसेक्शन पैन आ गया। पहले x लिखेंगे, कितना x लिखा जाएगा, सिक्स, फिर y, या x इक्वल सिक्स या हो गया y, y इक्वल एट, सिक्स और एट पॉइंट हो गया। इसका ऑरिजिन से निकालना है, तभी हम लोग पढ़े क्या ऑरिजिन से निकालना हो तो, या राइट एंगल बन भी रहा है, छः है या आठ है या कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, या ओपी ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना, 6² + 8² इक्वल कितना, बिल्कुल आसान सवाल था, नोट कर लें आप। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, अरे आपको दे दिया कोऑर्डिनेट्स, यह सर्कल है, ठीक है, इसके छोर का कोऑर्डिनेट दे दिया, मान ले दे दिया कोऑर्डिनेट आपका 2, 3, और यह दे दिया आपको 4, 5, ठीक है, कहेगा कि ए और बी जो है इसके व्यास के छोर का नियामक है, इन पॉइंट ऑफ इस डायमीटर, फाइंड एरिया, एरिया निकालने के लिए आपको रेडियस चाहिए, कैसे निकालें इसका, इसका एरिया निकालना, एरिया ऑफ सर्कल, तो रेडियस सही आपको, तो इसका जो सेंटर होगा मिड पॉइंट होगा, ठीक है, सेंटर कहाँ होगा, मिड पॉइंट होगा, तो इसका मध्य बिंदु का निकाल लेते हैं, 2 + 4 कितना हो गया, 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3, ऐसे हम पढ़ेंगे अभी, मतलब सेक्शन फॉलो में पढ़ेंगे इसका मिड पॉइंट कैसे निकालेगा, सिर्फ दोनों के एक्सपोनेंट को जोड़ के 2 से भाग लगा था, ये अभी डिस्टेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकाल करके उसको 2 से भाग लगा देंगे, यहां से यहां डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना, डिस्टेंस है ना, चलिए तो वहां डिस्टेंस निकलेगा तो वह निकल जाएगा डी, और उसको 2 से भाग लगा रेडियस निकल जाएगा, और यह मिड पॉइंट निकाल लेते हैं तो ऐसे निकाल सकते हैं आप, चलिए तो मिड पॉइंट फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल लेते हैं, ठीक है, ए बी, तो इसका क्या होगा, डायमीटर का काम करेंगे, ए बी कितना होगा, 2 - 4 का होल स्क्वायर +3 - 5 का होल स्क्वायर कितना हो गया, ये 2 इसका स्क्वायर 4, यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4, 2√2, ठीक है, इससे रेडियस कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, √2 यूनिट, ठीक है, एरिया हो जाएगा π r² तो यहाँ से कितना हो गया, π r² 2π² क्लियर। अब देखो इसको जो मिड पॉइंट से निकालते हैं, यहाँ पॉइंट होता 3, 2 और 4, 6 का मतलब 3 और 3 5 8 का मैं 2 सवाल आते हैं 4, अब यहाँ जब डिस्टेंस निकालते हैं ये r हो जाता है, जो √2 आता और एरिया इतना निकल जाता है, क्लियर, ये कभी कभी ऐसा भी दे सकता आपको, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, इस सर्कल पर का कोई 2 पॉइंट आपको दे दिया, ए है और यह बी पॉइंट, कहेंगे कोई 2 पॉइंट आपको दे दिया, और आपसे को बोला जाएगा, और ये सेंटर मान लिया, सेंटर कोऑर्डिनेट कुछ ले लेते हैं 2, 3, या मान लिया 4 और 5, और यह कोऑर्डिनेट कुछ मान लेते हैं x1, ठीक है, कहेगा ए और बी कोई 2 पॉइंट है, और यह इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है, एक्स का मान बताइएगा, सीधा हम लोग क्या करेंगे कि ओ ए इक्वल ओ बी कर लेंगे, देखते हैं क्यों, सेंटर तो रेडियस इक्वल होगा ना, एक्स निकल जाएगा, ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ओ ए के लिए क्या हो जाएगा, 4 - 2 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर, और ओ बी जो हो गया 2 - x का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यह 2 का स्क्वायर भी 2 का स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ से कितना आ गया, यहाँ हो गया 2 और यहाँ हो गया 2 - ऐसे 2 मान आएगा, क्यों इस पर हटाएंगे तो प्लस माइनस आ जाएगा, देखो सिर्फ ये बताना, और ये इसका इधर आएगा क्या होगा, +-2 हो जाएगा, इसका इसका खत्म है, +-2 हो जाएगा, तो एक बार पॉजिटिव जो लेंगे तो 2 - x = 2, x इक्वल हो जाएगा 0, जब नेगेटिव लेंगे तो 2 - x = -2, x निकल जाएगा 4, ठीक है, x का 2 मान आएगा, 0 भी आएगा और फोल्ड दे देगा, ए 2, 3, बी
से फाइव और सिक्स। मतलब एबीसी कॉलिनियर आपको टेस्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी दो कॉलिनियर तीसरे के इक्वल आ गया कॉलिनियर होगा, इतने होगा तो डिस्टेंस होना सही होगा। टेस्ट करना है ए बी निकालना है, बी सी निकालना है, ए सी निकालना है। ए बी 2 - 3 का होल स्क्वायर, 3 - 4 का होल स्क्वायर। बी सी 3 - 5 का होल स्क्वायर, 4 - 6 का होल स्क्वायर। आ रहा है ए सी 2 - 5 का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 - 6 का होल स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, का माइनस 3 का होल स्क्वायर पर से आ जाएगा 18 हो गया। यहाँ देख रहे हैं सिंस ए बी प्लस बी सी इक्वल क्या आ रहा है, ए बी प्लस बी सी इक्वल हो गया ए सी, इसका मतलब क्या होगा कॉलिनियर हो गया। अब मिड में कौन चला जाएगा, मिड पॉइंट पर बी चला जाएगा। क्यों, तो बी दोनों रोल कर रहा है बी चला गया, दोनों ए रोल करता है ए चला जाता है, दोनों सी रोल करता है कॉमन तो सी चला जाता है, रोल क्या कर रहा है बी, बी मिड पॉइंट चला गया। फिर चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9 या 8 जो भी है। इसमें आप मॉडल दे रहेगा आपको वर्टेक्स, दे दिया वर्टेक्स ठीक है, पूछेगा कि यह कैसा ट्रायंगल है या चार वर्टेक्स रहेगा कैसा क्वाड्रेंगल, आपको कुछ भी से पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ कोई लेते हैं वर्टेक्स, यहाँ पे मान लिया आप 3 4 ले लीजिए ठीक है, उसके बाद 0 3 ले लीजिए, उसके बाद 4 0 ले लीजिए, कैसा ट्रायंगल होगा ठीक। कल आपको एक बात बताया गया अभी कि यदि एक्स 0 हो किसी वाई 0 हो तो राइट एंगल के डिस्टेंस में आ सकता है वो, कब देख लेते हैं, हो सकता है लेकिन कुछ भी होगा है निकाल लेते हैं। ए बी सी डिस्टेंस निकाल लें आप, ए बी का, बी सी का और ए सी का। ए बी कितना, ए से बी 3 - 0 का होल स्क्वायर, 4 - 3 का होल स्क्वायर रूट 10। बी सी 0 - 4 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर। ए सी 5 भी लिख सकते हैं, ए सी ए सी सी 3 - 4 का होल स्क्वायर, 4 - 0 का होल स्क्वायर। थ्री माइनस फोर का होल स्क्वायर 1, 4 - 0 का होल स्क्वायर 16। और यहां से आप क्या देखें कि ए बी प्लस ए बी किसी दो का समतिस बराबर नहीं आ रहा है ना, ये दोनों लेंथ छोटा है, ए बी प्लस ए सी इज नॉट इक्वल होगा बी सी ठीक। राइट एंगल बनता और कहीं ओरिजिन के रूप में दिया रहा था यहाँ पे तो बन जाता, यहाँ 0 0 होता तो बन जाता है ना। तो एक एग्जाम्पल पीछे दिया, ऐसा नहीं कि 0 3 और 4 0 का राइट एंगल इसमें लेना, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ना। अब यहाँ 0 0 होता तभी होता, इसलिए मैं एग्जाम्पल दिया जी। तो आपको डिस्टेंस निकाल के चेक करना, ए बी निकाले उसका बी सी निकाले ए सी निकाले, दो का समतुल्य बराबर नहीं आ रहा, इसका राइट एंगल ट्रायंगल ठीक है, डिसाइड लगा के कर लेना आपको। चलिए एक लास्ट सवाल इसमें करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी बात। आज आपसे पूछा जाएगा पी थ्री क्यू फाइव सॉरी ठीक है टू, इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यदि कोई एक कोऑर्डिनेट सेम दिया रहे, चाहे एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट, तो यदि वाई सेम दिया रहेगा तो एक्स का अंतर कर लेंगे और एक्स सेम दिया रहेगा तो वाई का अंतर कर लेंगे, 3 - 2 1 ठीक। आप फॉर्मूला भी लगाते तो ही बात होता, यदि आप फॉर्मूला भी लगाते पी क्यू क्या होता, 3 - 2 का होल स्क्वायर 1, 5 - 5 का होल स्क्वायर 0 और रूट करते क्या मिलता है, प्लस माइनस प्लस निगेटिव तो लेगा नहीं क्या, डिस्टेंस तो प्लस ही लेना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हो पा रहा है। क्योंकि यदि इसको ग्राफ आप बनाएंगे इस तरह से 3 5 3 5 और क्या है 2 5 2 1 यह हो गया क्यू सॉरी यह हो गया पी और यह हो गया क्यू, यह डिस्टेंस
क्या देख रहे हैं, वो सीधे होगा, तो यह डिस्टेंस यहां से यहां तक के लेंथ में यह लेंथ घट जाएगा, या वो यहां से यहां तक के लेंथ में घटा देंगे तो पीछे ना निकलेगा, तो यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 5, और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2, 5 में 2 घटेगा तो सॉरी, यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 3, और यहां से यहां तक का लेंथ हो गया 2, तो 3 में 2 घटेगा तो आपको यह ध्यान रखना है। अरे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा तो वाई वाले का अंतर, वाई सेम रहेगा तो एक्स का अंतर निकाल के आंसर कर सकते हैं। यदि मान लिया यहाँ पे दिया हुआ था, अभी इसको नोट कर लें, फोर माइनस थ्री फोर, तो अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स सेम है तो वाई का अंतर हो जाएगा माइनस थ्री, और माइनस हो जाएगा फाइव, इसका मान कितना जाएगा, क्लियर। या 5 में इसको घटा दे प्लस हो जाता 8 हो जाता। अब सुनो, उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आज क्लास में इतना ही, और एक एग्जांपल लिख लें एच डब्ल्यू के रूप में, और आप लोगों को जैसे वीडियो आप देखेंगे उसके बाद आपको आंसर कमेंट करना है, साथ साथ ये भी कमेंट करना है कैसा लगा आप लोगों को। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन एल माइनस एम एल प्लस एम एंड एल माइनस एम एल माइनस, ऑप्शन है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ट्वाइस ठीक है। तो आपको डिस्टेंस बताना है एल माइनस एम और एल प्लस एम, और एल माइनस एम और एल प्लस एम के बीच का डिस्टेंस निकालना है, और डिस्टेंस निकाल के आपको आंसर कमेंट करना है कैसा लगा, ये भी कमेंट करना है। जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अपने, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जब भी वीडियो डालें पहले आपको मिले और आप देख पाएँ समझ पाएँ। जो लोग कर चुके हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करें। तो आज क्लास इतना है, शुभ रात्रि।